बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार, थैंक यू, जरा नवाजी, खुश आमदी, जो जो जफरी खान के शो पर आए, जहां जहां भी जफरी खान को देखा जा रहा है, सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम। आज पता है कि आपको कौन सा दिन है? 14 अगस्त। और सबको मेरी तरफ से 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे भी थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह सब लोग आप पढ़े लिखे बैठे हैं, आपको ये बताना कुछ जरूरी तो नहीं कि ये मुल्क पाकिस्तान हमारे बड़ों ने कितनी कुर्बानियों से हासिल किया है। और मैं चाहूंगा कि आज इस 14 अगस्त के मौका पर मैं अपने शो का आगाज जो है वो पाकिस्तान के कौमी तराने से करूंगा, उसके एहतराम में आप लोग खड़े हो जाएं। बहुत शुक्रिया। आप लोगों को ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि ये हमारा जो मुल्क है ये कितनी कुर्बानियों से हमने लिया है। मतलब हमारा जो मुल्क है वो उसको तरक्की कैसे हमारा मुल्क करेगा, हमारे मुल्क में सफाई का निज़ाम कैसे सही होगा, हमारे मुल्क का कानून कैसे सही होगा, हमारे मुल्क के वो सरकारी इदारे जो अपनी अपनी जगह पे जिनको होना चाहिए वो वहाँ पे नहीं है, ये सिस्टम कैसे सेट होगा? ये इस तरह सेट होगा कि जब हम सब मिलके इसको सेट करेंगे, अपने घर को साफ कर लो, समझो अपने मुल्क को साफ कर लो। माशाल्लाह आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं, लेकिन वो बीच में आपके देखो ना यूपीएस पड़ा हुआ है। अच्छा वैसे अपना नादिया जी और फरीदा जी, जब आप घर जाके सोती है ख्वाब में आके आपको हाउ तो नहीं करता? चाचा रहमत अच्छा, तो बना ओ प्यारी लग रही है। अच्छा ओ प्यारी, ओ मेरा शेड बैंड है। तेरा शेड नहीं पड़ रहा, तेरा अच्छी बात है ना, हमें नजर नहीं लगेगी। ये नजर नहीं लगेगी, कहंदी मेनू नजर नहीं लगेगी, मेनू भावे लग जाए। हैं चाचा रहमत, तुझे नजर नहीं लगनी, किसी से सिगरेट ना लगवा ले तू। वैसे भी तुझे सिगरेट लगाना किसने है, क्योंकि तू जब तुझे सिगरेट है तू तो ठा कर जाएगा। आज तू बना क्या हुआ है? ये अपने बेटे की टोपी पहनी हुई तूने? और 14 अगस्त मना रहे हैं, वो घर जाके अपने अब्बे नु बना जी दी मोटरसाइकिल लेके आया। कैसे 14 अगस्त कैसे मनाओगे? मोटरसाइकिल में वो जो बफल्स का सलंसर उतार के चलाओगे, लोगों को डिस्टर्ब करोगे, ऐसे 14 अगस्त मनाओगे? बड़ा मजा, इशारा तोड़ोगे, ऐसे 14 अगस्त मनाओगे? या मतलब रोड के ऊपर अगर कोई पौधा लगा है या कोई चीज लगी है उसको तोड़ के ऐसे 14 अगस्त मनाओगे? कैसे मनाओगे? तोड़न की कोई लोड़ नहीं है, बस सलंसर कटो। अच्छा 14 अगस्त जो है ना वो हमारा आजादी का दिन है। हाँ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो नस्ल है हम भी जिसमें है, यानी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम एक आजाद सांस ले रहे हैं। मैं पिछले दिनों ही अपने हमसाया मुल्क में गया हुआ था, इंडिया में, मतलब उधर के जो मुसलमान हैं वो बड़ी दिलेरी से रहते हैं, बड़े खुश इखलाकी से रहते हैं, लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं कि काश हम भी पाकिस्तान में होते। वाह
ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 14 ਅਗਸਤ ਵੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਝੰਡੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ अच्छा मुझे एक बात बताओ हम तो 14 अगस्त को आजाद हुए हम तो आजादी का दिन मनाते हैं ये इंडिया वाले 15 अगस्त क्यों मनाते हैं जेलसी जी नादिया जी आप क्या कहने वाली थी सर मैं ये कह रही थी कि आज 14 अगस्त है तो इन्होंने ब्लैक शर्ट पहनी देखे जरा ओके ब्लैक ही हो आ रहा है ग्रीन है ब्लैक कब है अच्छा अच्छा पहले इसने ना उल्टी पहनी हुई थी जब सीधी की ना इसके जिस्म की ब्लैकनेस सारी बाहर आ गई सही कह रहे हैं सर आप अच्छा वैसे 14 अगस्त तू किस तरीके से मनाएगा मुझे बता तू सही चाचा रहमत मैं हाँ? मैं तो तुम्हें क्या सलंसर काटेगा जिद जो बजदी है वजन दे अगर वो तुम्हारे सलंसर निकालने से अगर तुम्हारे घर के साथ वाले घर में कोई बीमार हो या वो तुम्हारे साथ वाले घर में कोई बीमार हो या कोई बूढ़ी औरत हो या बूढ़ा बंदा हो वो तेरी मोटरसाइकिल से अगर तंग हो रहा हो तो क्या फायदा तेरे ऐसे 14 अगस्त मनाने का ओ बूढ़ा बंदा मर जाना चाहिए था छोड़ दे तो तुसी यार आजादी का मतलब है हर यार आजादी का मतलब है कि सब आजाद है अगर आप आजाद हो तो आप साथ वाले को क्यों तंग कर रहे हो उसको भी तो हक है आजादी का हाँ हाँ आजादी मनाए असी सलंसर कटिया ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਤੇ ਚਲਾਏ ਉਹ ਪਿਆ ਚਲਾਏ ਅਸੀਂ ਰੋਕਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਮਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਵ ਮਨਾ ਤੋ ਜੀ ਖਵਾਤੀਨੋ ਦਰਾਤ ਇਹ ਹਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਬ ਬਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉਸ ਮਹਿਮਾਨ ਕੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਕਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਮ ਮੈਂ ਲੂੰਗਾ ਔਰ ਆਪਕੀ ਤਾਲੀਆਂ ਬਤਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ISPR ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਮੀ ਹੈ ਉਸਕੇ ਲਈ ਉਹ तराने बना रहा है नगमे बना रहा है और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स पे वो काम कर रहा है जो कि वाघा बॉर्डर के ऊपर जब तक वो ना जाए तो मैं समझता हूँ कि वाघा बॉर्डर की रौनक दुबाला नहीं होती नाम मैं लूँगा आपकी तालियां बताएंगी वो कितना बड़ा फनकार है जस्सी से तो क्लैप हुई कि वो जफरी खान शो में आए अब वो काम कैसा करते हैं आपको लग कैसा रहे हैं इसकी क्लैप तो अभी बाकी है थैंक यू भाजी जस्सी जी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ ਸ਼ੋਅ ਚ ਆਏ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੀਵੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਂਦਾ ਸਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਸ਼ ਯਾਰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਉਂ ਔਰ ਆਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਕੋ ਇਹ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਅੱਜ 14 ਅਗਸਤ ਹੈ ਤੋ 14 ਅਗਸਤ ਹਮਾਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੀਠਾ ਔਰ ਪਿਆਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੇ ਦਿਨ ਹਮ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਥੇ ਤੋ ਮੈਂ ਸਮਝਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੇਂ ਜਿਨ ਜਿਨ ਲੋਗੋਂ ਕਾ ਹੱਥ ਥਾ ਯਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਲੀਏ ਜਿਨ੍ਹੋਂ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਆ ਹੈ ਉਨਕਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ
जी नाजीन, तो आपको मेहंदी असर खान साहब का मिली नगमा कैसा लगा? ऐसे बहुत से नगमे, बहुत सी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी जफरी खान शो में। तो जी जस की भाई, आजकल आप क्या, आपका क्या कर रहे हो? नया प्रोजेक्ट ये है कि मैंने बॉलीवुड के साथ काम किया है जी, दो मेरे सॉन्ग्स हैं, मैं अभी सुनाऊंगा, अभी टाइगर स्टाइल है टॉर शकीना दी जी, एंड लक उत्ते टैटू पवाई फिर दी हवा लग गई बार दी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो आपके जो सॉन्ग हिट होते हैं या आप ये किसी लिखवाते हैं या खुद सोचते हैं? थॉट अपना होता जी। अच्छा जी, और उस तो अलावा है कि फिर प्रोफेशनल राइटर नूं आपां दे दईदे आ, ठीक है, वो फिर लिखदा है बनांदा, फिर उस तो बाद कंपोजिशंस बनदी, फिर चक देंदे आ फट्टे ते नप देंदे आ किल्ली लाहौर तो लैके। तो जसी जी, आजकल सुना आप पाकिस्तान आर्मी के लिए भी कुछ कर रहे हैं? मैं शुरू से कर रहा हूं उनके अच्छा, लिए शुरू से कर रहे हैं। आज तो 14 अगस्त है जी, बिल्कुल बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन 13 अगस्त की रात को मैंने बहुत बड़ा शो किया वाघा बॉर्डर पे। अच्छा, और ISPR की तरफ से और पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से वो शो था, और बड़ा स्वाद आया भाजी, धूड़ा पट दी पट दी। यानी के पाकिस्तान जो कि हमारा मुल्क है, इस मुल्क के लिए अगर किसी ने कुछ भी किया है जिसकी वजह से हमारे मुल्क का नाम रोशन हुआ है और रोशन होता रहेगा, तो मैं समझता हूं कि उसके एजाज में एक तो ऐसी क्लैप होनी चाहिए कि लगे कि इसने पाकिस्तान के लिए कुछ किया है। अच्छा जस्सी जी, अब आप अगर कहीं भारत जाएं या किसी और मुल्क जाएं ना, अगर भारत अगर आप दोबारा जाएं तो प्लीज उनकी वो चिता ले जाइएगा जरा। वाओ, ये भी इंडिया में रहा 5-6 साल, वाह वाह, उधर फायर ब्रिगेड के महकमे में काम करता जो आग नहीं बुझाते। उन्होंने फिर एकदम इसको जूतिये मार के निकाला। वो किसी के बाप की चिता बुझा दी इसने। इंडिया गया सी, बड़े नाम पैदा करके आया उसे, लेकिन वो फड़िया गया, पुलिस ने फड़ के बड़ा मारिया। क्यों? उसे काली माता के अगे खलो के कह दिया कि कहता मैं दुआ कर मैं इतने सैट हो जा, मैं तेरे अंदर फिर लवली लैके आऊंगा। बहुत अच्छे, वाह वाह, ये तो मैं पै गए 250 च। क्या हुआ? अगर मां करो चूंटियां वडन डी। वो चूंडियां नहीं बढ़ रही, वो आप डरी है कि आज काकरोच एडा तैयार होके बैठा है। अच्छा वैसे तू जिस शीशे में अपना मुंह देखता है वो शीशे पे क्या बीतती होगी? ये जरा ऊपर से कैप उतार, जरा जसी भाजी दिखाइए कैप ला दे। सर नीचे कर जरा, जितने इसके सर पे बाल है ना, आप बाथरूम में नहाने जा रहे हो इतने साबुन के ऊपर लगे होते हैं। वाह वाह, ऊपर से मथे पे पट्टी भी बांधी हुई, 14 अगस्त मना रहा है, खुदा का वास्ता जिस मोटरसाइकिल का सलंसर तूने उतारा ना, तू वही सलंसर खुद लग रहा है मुझे। हां साहब, ताडे वर्गे बंदे ना एवें चुपेड़ में खा लेंदे एवें। अच्छा भाई जसी, ये करके बंदे भी ना पिंड च नाई होंगे ने, देख पका के ना तो पिंड की नुक्कर से खलो जाते कि हो रे के हो जी पक्की है। वाह वाह वाह, भाई तू पकाई तेन पता होना चाहिए कि पक्की है। तो ताडे वर्गा भी नाई खीर की देख दे लून पा दें। बात कह दिया तुम घंटा हो गया भौंकन दिया, मेरे को लून चुक लवो। अच्छा मुझे एक बात बता, तुझे ये खीर का नाम याद किसने कराया है? जहां तक मुझे याद है वो तो तुझे पचती नहीं जी। नादिया जी, आप थोड़ा जा लून पा लो तो फिर पच जाती। जी नादिया जी, आपके पास ये बैठा, आपको लगता नहीं जैसे ये रस्ते में स्पीड ब्रेकर बनाया हुआ है किसी ने?
रीता जी आप उसकी तरफ देखे जरा गौर से देखे। अच्छा वो शर्मा नहीं रहा, उसकी पैंट बहुत तंग है ऐसे हो रहा। तुसी की महसूस कर रहे हो तो इतने बह के राजी नहीं ले। अच्छा जसी भाजी जी सर, मतलब हर फनकार दे अंदर कोई ना कोई एक मतलब एक गल होती है, जिस तरह के जैसे कि मैं सच आपको बताऊं, मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी आर्मी में जाने की। हाँ। यानी कि मेरा दिल करता था कि मैं मुल्क के लिए कुछ करूं। जी जी। मुझे आर्मी में जाने का बड़ा शौक था, क्योंकि जो मेरे वालिद साहब थे वो भी आर्मी में थे। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप अपने प्रोफेशनल से राजी हैं या दिल में कुछ और है कि यार मैं काश मैं डॉक्टर होता तो पहले यहीं चेक करता फिर यहां करके हल्का जी इतने सुटता कि टीका जेन्युइन है कि नहीं जेन्युइन। भाजी निक्किया होंदे मैनूं ट्रक चलाउण दा बहुत शौक सी। ट्रक चलाउण यार अच्छी गल। अज भी मैं कितने बस दे विच सफर करा या ट्रक दे विच देखदे आ ना लोकां नूं तो मेरा बड़ा दिल करदा है कि लाले अताउल्ला दे गाने लगे होंदे, लॉन्ग ड्राइव दे उत्ते जांदा होवां ते ट्रक चलांदा होवां, मैनूं बड़ा शौक है। लोगों को जहाज चलाने का शौक है, जसी भाजी नूं ट्रक चलाउण दा शौक है। तो पाजी कभी कोई ऐसा आपके साथ कभी कोई वाकया जिसमें आपको घर जाके भी शर्म आ रही हो कि यार आज देख मेरे ना की होया है यार, या उस बंदे को यार मेरे से यार ऐसा नहीं कर रहे, कोई ऐसा वाकया जो आप अपनी पब्लिक से शेयर करना चाहें? एक दफा मैं जी जफरवाल जो हमारे पाकिस्तान में नारोवाल के पास शहर है वहां पे कॉन्सर्ट करने गया। अच्छा। और वो बाहर की पार्टी थी और उन्होंने मुझे पैसे भी अच्छे खासे दिए। अच्छा। तो जब मैं परफॉर्म कर रहा था तो मेरा गिटारिस्ट था वो बड़ा खूबसूरत लड़का था। अच्छा। तो वो बंदे पीछे से आए हैं और उसको कह रहे हैं चलो अगे होके नच। मैं कहा जी ये बैंड वाला गिटार वाला कहता चल तू भी ये अगे नाल नच। और मैं एडा कोई शर्मिंदा होया घर, मैं कहा ये तो गाने वाले कहते नाल साडे नच्चो तुसीं। यानी कि अक्सर औकात आर्टिस्टों के साथ है कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जो वो शेयर कम करते हैं, इसलिए मैंने जसी भाजी भाजी कोई ऐसा वाकया जरा तुम कहो कि मैं नहीं सुनाना बाहर के मुल्क में। तो वो समझदार ही बहुत है ये, वो बिल्डिंग में आग लग गई तो वो जवान था, वो कहता है ऊपर से आप फेंकी जाओ मैं पकड़ता रहता हूँ बंदे। उन्होंने एक फेंका वो पकड़ रहा है सरदार रख रहा है पकड़ रहा है रख रहा है पकड़ रहा है, ऊपर से उन्होंने एक हफ्सी फेंका उसने छोड़ दिया। ऊपर से उन्होंने कहा सरदार जी इसको नहीं पकड़ा, कहता मैंने पहले कहा जले जले साइड पे करी जाओ। हमारे मुल्क में 14 अगस्त कैसे मनाई जाती है, आइए एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं।
ناظرین آپ کو یہ رپورٹ کیسی لگی؟ مجھے امید ہے آپ کو بہت اچھی لگی کیونکہ ہمارے ملک میں 14 اگست بڑی مزے سے منائی جاتی ہے، لیکن کسی کا دل دکھانا نہیں، پھر 14 اگست منانے کا زیادہ مزہ آتا ہے۔ اچھا ویسے تیری بیوی کی ہمت ہوگی چاچا رحمت، جو تجھے دیکھ کے بھی کرتی ہوگی کہ کیا بنا، جیت گیا تو؟ ایک دفعہ میں نے اس کو کہا، میں کہا تو ادھر ریس کورس جاتا، کہتا میں نے گھوڑوں پہ میں پیسے لگاتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا، میں کہا تیرا گھوڑا کون سا ہے؟ کہتا وہ والا جس نے سب کو آگے لگایا ہوا ہے۔ یعنی کہ مان نہیں رہا کہ میرا گھوڑا ہار رہا ہے۔ اچھا گل سن، یہ دونوں تیار ہو کے بیٹھے ہیں کہ ایتھے نہ 14 اگست منان لگ پئی۔ فریدہ جی آپ ہستی ہوئی بہت اچھی لگتی، ذرا ہنسے۔ ہاں 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 ہاں، فریدہ جی آپ ہنسی لگتا ہے جیسے سنیارے کی دکان کھل گئی ہے۔ چاچا رحمت تو ہنسی ذرا۔ اب پتہ چل رہا ہے تو چاچا رحمت ہے۔ چاچا ہنسی ذرا، پھر ہنسی ذرا، ادھر دیکھ کے ہنس، ادھر دیکھ کے ہنس۔ بس تیری اتنی زندگی تھی، اب بے شک تو فوت ہو جا۔ تو جی ناظرین کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔